गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, आज हम आपको और एक अपना खुद का लिखा हुआ भजन सुनाते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पूजा पाठ करने के बावजूद भी व्यक्ति को क्या मिलता है, हासिल होता है, और हत्या करने के बावजूद भी व्यक्ति को क्या मिलता है। इन सब के पीछे जो फल मिलने की प्रक्रिया है वो सारी की सारी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस भावना से किया गया कर्म किस तरह के फल जीवन में प्रकट करता है। इसके एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। फल तो अपने अपने कर्मों का जानी सभी पाते हैं, सभी पाते हैं, सभी पाते हैं। सुर हो या असुर हो पर तुमसे पाते हैं, बस मासुर पाते पर मासुर पाके बरदान, भस्म हुआ खुद करे अभिमान, पात्र बिना क्या बरे क्या दान, कितना बड़ा कोई हो धनवान, तुझसे मांगा जो मिला, तुझसे मांगा वो मिला, वो पाया न फिर भी भला, तुझसे मांगा वो मिला पाया न फिर भी भला। विषयों के पुजारी बन विषयों में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। फल तो अपने अपने कर्मों का रानी सभी पाते हैं, सभी पाते हैं, सभी पाते हैं। जब तक हमारा मन विषयों में रमता रहेगा तब तक भगवान की पूजा से हमें वो विषय ही मिलेंगे। भगवान की पूजा से सब कुछ मिलता है। विषयों का चिंतन करते हुए भगवान की पूजा करेंगे तो हमको विषय मिलेंगे, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का पूजन करेंगे तो हमको भगवान मिलेगा। और ऐसा ही भजन के अंदर दर्शाया गया है कि विषयों का चिंतन करते करते हम विषयों में ही डूब जाते हैं और नतीजा कुछ मांगते हैं, मन में कुछ है, मुख में कुछ है, परिणाम कुछ और मिल रहा है। श्रवण कुमार के पद का श्राप, रावण को न बना अभिशाप। श्रवण कुमार का वध हो गया, परिणाम क्या मिलना चाहिए था लेकिन मिला क्या, भगवान राम ने उस श्राप के कारण ही चार भाइयों के रूप में जन्म लिया। श्रवण कुमार के बध का श्राप, रावण को न बना, श्रवण कुमार के बध का
श्राप, दशरथ को न बना अभिशाप। सत कर्मों की खेती करके पुण्य कमाया मिटा कर पाप। बाणी सधी बोले सबसे, मन की लगी जब सब। बाणी सधी बोले सबसे, मन की लगी जब रब से। बाणी सधी बोले सबसे, मन की लगी जब रब से। दुनिया के मालिक वो साईं राम बन के आते हैं, बन के आते हैं, बन के आते हैं। फल तो अपने अपने कर्मों का प्राणी सभी पाते हैं, सभी पाते हैं, सभी पाते हैं। सुर हो या असुर हो, पर तुम से पाते हैं। कर बालिका जो की खता, बाल बधिक बने कृष्ण निहता। बलि का वध भगवान राम ने छिपके किया था, नतीजा क्या हुआ? दूसरे जन्म में राम कृष्ण बनकर आए और वो बाली पथिक बनकर आ गया। और जैसा करनी का फल सबको भोगना पड़ता है, कृष्ण रूप में वो राम का किया हुआ फल अगले जन्म में उनको भी भोगना पड़ा। कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल मिलता है, मिलेगा, अकाट्य नियम है ये। बध कर बालिका जो की खता, बाल बधिक बन कृष्ण हता। करनी का फल भोग आपने, सब जग को ये दिया बता। स्वीकार सच को, स्वीकार सच को सब मन से। स्वीकार सच सबको मन, स्वीकार सच को सब मन से। हो सकेंगे मुक्त अहम से, स्वीकार सच को सब मन से। सकेंगे मुक्त रहन से। सत्य के पुजारी बन, सत्य साई बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। फल तो अपने अपने कर्मों का प्राणी सभी पाते हैं, सभी पाते हैं, सभी। पर तुम से पाते हैं। फल तो अपने अपने कर्मों का प्राणी सभी पाते हैं, 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 सभी पाते हैं।